हम लोगों ने अभी तक फ्रिक्शन के दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए, एक टाइप जैसे ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना, एक टाइप ग्राफ वाले क्वेश्चन। दो क्वेश्चन में ठीक है, हमें लग रहा है हो जाएगा, कंसेप्ट वहाँ से समझ में आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? बेसिकली हम लोगों ने जब फ्रिक्शन की बात की थी तो कॉन्टैक्ट फोर्स की बात की थी। कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन शुरुआत में थ्योरी में ही बताया गया था। कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है फ्रिक्शन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहलाता है? फ्रिक्शन। और परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो कंपोनेंट होता है उसे नॉर्मल कहते हैं। FS एंड FT आर द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स अलॉन्ग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस रेस्पेक्टिवली। ये अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो से वेरी कराओ तो आपका फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को जीरो से लेके मैक्सिमम तक एडजस्ट करता है। लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन अपना जो भी रहता है रहता बना रहता है। कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट है। यानी आर जो होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ये हमेशा याद रखना है। और ये जो इनके बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये थीटा जो होता है, थीटा को हम बोलते हैं थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? अब अपने को समझ में आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या बनेगा, कैसे बनेगा? तो इसको समझो जरा, देखो ध्यान से। एक एग्जांपल के थ्रू जरा समझिए कि मैं एक 2 kg का ब्लॉक है, इस पर म्यू की वैल्यू ले लिया 0.5, ये फोर्स मैंने ले लिया टी। एक एग्जांपल समझते हैं। आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या रहने वाला है? नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाला है 20, ठीक है। अब जरा देखो इस पे टी बराबर जीरो पर फ्रिक्शन जीरो, और फ्रिक्शन की पहले मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है? फ्रिक्शन इधर लगने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का आ जाएगा 0.5 × 20, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। यानी 10 सेकेंड तक तो ब्लॉक फ्रिक्शन 0 to 10 वेरी करेगा। अब ये कैसे वेरी करता है? जब टी बराबर जीरो होगा शुरुआत में, यानी फ्रिक्शन फोर्स शुरुआत में टी बराबर जीरो पे क्या होगा? अपना नॉर्मल रिएक्शन तो 20 बना रहेगा, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल ही जीरो है। तो यानी अगर ये दोनों का, तब कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आएगा इस बीच में? कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जो कि 20 ही रहने वाला है कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी n बराबर r, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनेगा tan थीटा इक्वल टू f बाई n जीरो हो जाएगा। अब आप समय बढ़ाओ, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 5 सेकेंड लिया मैं, मतलब एक मिनट के लिए 5 सेकेंड बोले तो f की वैल्यू, तो फोर्स अगर 5 न्यूटन लगाओगे तो ब्लॉक, चूँकि मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 लग सकता है तो फ्रिक्शन भी 5 लगेगा। ये तो बेसिक अपने को पता है। यानी फ्रिक्शन अब लग गया 5 न्यूटन, ये 20, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आर आया, जिसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। आर की वैल्यू रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 425, और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना बना? tan थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर 5/20 1/4। एंगल पहले जीरो था, अब बढ़ के 1/4 हो गया tan इनवर्स। देखिएगा, देखते रहिएगा इस बात को। एंगल जीरो था, जीरो से बढ़ते हुए 1/4 हो गया। अब आप और बढ़ाइए, अगर आप और बढ़ाना चाहेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए टी बराबर, आप बताओ फ्रिक्शन कब तक बढ़ेगा? फ्रिक्शन तो सर 10 न्यूटन तक ही बढ़ सकता है,
तो लिमिटिंग केस पे हम चले 10 सेकंड पे, तो मैक्सिमम जब फ्रिक्शन लग रहा होगा 10, ये एक्सटर्नल जब 10 होगा उस मोमेंट पे फ्रिक्शन जो होगा मैक्सिमम होगा, ये तो 20 रहना है। अब एंगल जितना ये फोर्स बढ़ेगा कॉन्टैक्ट फोर्स, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता रहेगा और वो मैक्सिमम होगा। अब बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, 10। कॉन्टैक्ट फोर्स की इस मोमेंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, दैट इज इक्वल टू 10² + 20² जो कि हो जाएगा √500। और अपना कॉन्टैक्ट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू थीटा मैक्स वो हो जाएगा 1/2, 10/20, ये मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। तो बेसिकली हम लोग बात किया जाए थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपको बोलें, तो आप ज़रा इस बात को थोड़ा एक जनरलाइज कंसेप्ट की तरह समझो कि आप अगर फोर्स बढ़ाते चलोगे, इसको लगातार बढ़ाओ, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन ये रहेगा और फ्रिक्शन फोर्स ये रहेगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा ये रहेगा आर, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है √N² + F² और आप मुझे बताओ मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। आर मैक्स जो होगा, आप बताओ एन तो हमेशा कांस्टेंट है, एन अगर कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूले में ये चीज़ कांस्टेंट है तो यही वेरी कर रहा है, तो ये कैसे वेरी करेगा, जब ये बढ़ता रहेगा लगातार बढ़ते 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 जब उतना हो जाए तो ये भी बढ़ता रहेगा, जिस मोमेंट पे ये मैक्सिमम को अटेंड कर लेगा मैक्सिमम कितना हो सकता है μ (n), यानी मैक्सिमम जो हो जाएगा √N² + F max² एफ मैक्स होगा μ (n) का स्क्वायर, यानी एन √1 + μ² ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो बात किया जाए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो आएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू जो बन जाएगा tan θ max, जिस मोमेंट पे मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम का तो सिचुएशन यही है ना कि ये फ्रिक्शन मैक्सिमम हो, मैक्सिमम μ(n) और ये n और ये कॉन्टैक्ट फोर्स, यही थीटा मैक्स होगा। अब tan थीटा मैक्स क्या होगा, μ(n) / n, दैट इज इक्वल टू, यानी थीटा मैक्स की वैल्यू हो गया tan−1μ, याद रखने की बात है। यानी हमेशा मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, N√1 + μ² याद ही रखो, और मैक्सिमम फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, tan−1μ। इस पे बेस्ड जैसे आपको एलिमेंट्री टाइप के क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि बताओ अगर मैं बोलूं ये फोर्स F है जो कि T है और पॉइंट μs एंड μk, या फिर केवल μs ही बताओ, और ये दिया है आपका 20 न्यूटन, 2 kg, फाइंड μs इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज tan−1/2, ये आपको दिया है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब
मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन ले लो आप, तो कॉन्टैक्ट न्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कब आएगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन तो तब आता है ना, मैक्सिमम याद ही रखा है हम लोगों ने, मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन तब बनता है जिसमें फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू एन, ये एन इसी मोमेंट पे थीटा जो दिया है वो टैन इनवर्स 1/2 दिया है, क्योंकि वो मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम कितना होगा, टैन थीटा इक्वल टू म्यू, जो कि दिया है टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1/2, म्यू की वैल्यू कितना हो गया 1/2, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने को उसी सीक्वेंस में अगर बोला जाए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स ये 40 न्यूटन है, तीस ले लो, ये 30 न्यूटन है, और ब्लॉक जो है वो 4 kg का है, म्यू जो दिया हुआ है 0.8 है, इस केस में पहला प्रॉब्लम अपने को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ रहा है, ठीक है करते हैं। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बताने से पहले पहले अपने को फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन यही बगल में देखें, तो पहले तो सबसे पहला स्टेप होता है चेक करो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो एफ मैक्स कैलकुलेट करो, एफ मैक्स हो जाएगा म्यू इंटू एन, सॉरी एन 40 है 32, तो एक्सटर्नल लग रहा है 30, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 32, तो पक्की बात है ब्लॉक रुक जाएगा, ब्लॉक चलेगा नहीं, क्योंकि ब्लॉक को चलने के लिए 32 से ज़्यादा चाहिए, यानी ये बात तो समझ में आ गया कि फ्रिक्शन की वैल्यू तो 30 हो गया F, और नॉर्मल रिएक्शन 40 है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है, जो कि 30-40 की वैल्यू 50 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। आपसे ये पूछा नहीं है कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर पूछता तो हम बता सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा नहीं है लेकिन हम बता सकते हैं, टेन थीटा 3/4, ठीक। इसी टाइप पे जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछता, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, ये ब्लॉक रेस्ट में है, ये गिवन है, 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स को एक तरीके से और भी नाम दे के पूछ सकता है फाइंड नेट फोर्स एग्जर्टेड बाय वॉल ऑन द ब्लॉक, या फिर फाइंड नेट फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द वॉल, ये भी कह सकता है। तो जरा बताओ इस हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो बन जाएगा वो तो एन की वैल्यू 40, और चूंकि ब्लॉक रेस्ट में बोल रहा है तो भाई इसका वेट लग रहा है 20, तो फ्रिक्शन जो होगा वो 20 ही होगा, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में बोला है। आर की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 2000, ये सीधा क्वेश्चन हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स पे। अगर कॉन्टैक्ट फोर्स की बात हम लोग कहें तो कॉन्टैक्ट फोर्स पे वेरिएशन तो बड़े आराम से बहुत सारे क्वेश्चन के हिसाब से बन सकता है। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे ये प्लैंक है जो कि 2 m/s² से एक्सेलरेट कर रहा है,
ये 2 kg का ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू दिया है 0.2, ये फ्रिक्शन की वैल्यू लगातार बढ़ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स इस मोमेंट पे, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन बताइए। तो ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग सीधा सीधा सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे। बैठ जाओ, ये बैठ गए। बैठने के बाद अब आपको पता है कि सूडो लगाना पड़ेगा, ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो सूडो लगाने के लिए आप ये सूडो पहले लगा दिए, एम इंटू ए 4 न्यूटन का, और इसका वेट जो हो जाएगा 20, तो नॉर्मल रिएक्शन जो बन गया वो एन की वैल्यू 24, और मैक्सिमम फ्रिक्शन अगला स्टेप में कैलकुलेट कर लीजिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है 0.2 इंटू 24, तो 4.8 एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, टाइम का फंक्शन लग रहा है, तो यानी फ्रिक्शन फोर्स एफ एस जो होगा टाइम के साथ वेरी करेगा। कब तक, इफ टी लेस देन 4.8 सेकेंड, जब तक 4.8 सेकेंड नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन टी के बराबर होगा, यानी इस बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स वेरी करता रहेगा। ये फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगा टी, कब तक, जब तक ये है, और ये 24, ये कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स 4.8 से पहले क्या बनेगा, 24 का स्क्वायर 576 प्लस टी स्क्वायर, ये कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया। कब, जब तक 4.8 से कम है, उससे ज़्यादा होगा जब टी ग्रेटर देन 4.8 सेकेंड, इससे ज़्यादा होगा तो आपका फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो चूँकि कांस्टेंट हो जाएगा, और फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया 4.8, ये नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा वो अपना 24, वो भी कांस्टेंट, और कांटेक्ट फोर्स जो बनेगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4.8 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ कांटेक्ट फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन को देखा, और इस बेसिस पे हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्स को कैसे एनालिसिस करना है, मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम कांटेक्ट एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है। जैसे टाइम पास क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कोई बताओ ये फोर्स हम कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, मास एम है, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, फाइंड मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स ना बोल के हम यह भी बोले हैं आपको कि आपको ऐसा भी बोल सकता है फाइंड मैक्सिमम फोर्स एग्जर्टेड बाई ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, ये भी बोल सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन भी ग्राउंड ब्लॉक पे लगा रहा है और नॉर्मल भी ग्राउंड ब्लॉक पे लगा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो कॉन्टैक्ट होता है वो भी बोला जा सकता है। तो मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स अब आपको समझ में आ ही गया होगा, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स तब होगा ये लगातार बढ़ते 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 बढ़ते, जब वो सिचुएशन आएगा जिस समय ब्लॉक जस्ट इन रेस्ट में रहेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन जिस समय लगने लगेगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एम जी, ये एम जी नॉर्मल रिएक्शन, यानी मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, अभी देखा भी था एन अंडर रूट, एन की वैल्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,